अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th. स्टूडेंट्स, लेक्चर 2.33 में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था. आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई. हमारे पास एक एक्सप्रेशन है. अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 में भी सेम ऐसा ही एक एक्सप्रेशन था, लेकिन वहां पर 0.04 की जो पावर थी -3/2, वहां पर -1/2 थी. तो स्टूडेंट्स, इसको हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं. 216 की पावर 2/3 multiply by 25 1/2, रीजन में है 0.04 और पावर है -3/2. इसको स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं हम. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जो 216 नंबर है और 25 है, इसको फैक्टर्स बना लेते हैं. तो 216 के फैक्टर्स दो तरह से बनते हैं. एक तो इसको मैं 2 और 3 से इसके फैक्टर्स बना सकती हूँ, और इसके फैक्टर्स एक जो है वो 6 से भी बन सकते हैं. तो 2 और 3 से बना लेते हैं. 2 1 द 2 2 8 द 16, सेंटर में 0, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4 2 7 द 14. अब ये 3 पे डिवाइड होगा. 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3. सो यहाँ पे 2 जो है वो 3 हैं और 3 भी 3 हैं. और अगर हम इसको 216 को 6 पे भी कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 216 से, लेकिन जो हमें छोटे नंबर से इसको फैक्टर्स बनाए हैं. अब 25 के जो फैक्टर्स हैं वो इस तरह से बनेंगे कि 5 5 द 25, 5 1 द 5. यहाँ 6 से भी आप बना के देख सकते हैं. 6 3 द 18, 3 तो चले गया. 6 6 द 36, 6 6 द 36 एंड 6 1 द 6. यहाँ पे 6 3 आएंगे, लेकिन हम ये वाली फैक्टराइजेशन जो है वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म लिखूंगी. 216 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3. ये 2 3 थे और 3 भी 3 थे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है. और ब्रैकेट के बाहर पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 जो है, अगर उसको हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें तो आता है 5 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 5 2 थे. और बाहर जो ब्रैकेट के बाहर है पावर, वो है 1/2. डिवीजन में हमारे पास है 0.04 और इसकी जो एक्सपोनेंट है वो है -3/2. नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि हमारे पास इस स्टेप में एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जिसके मुताबिक अगर दो जो हमारे पास रियल नंबर हों और उनकी पावर सेम हो तो हम उन्हें सेपरेट कर देते हैं. तो यहाँ हम कर सकते हैं 2 की पावर 3, उसके ऊपर सेपरेट कर दिया 2/3, और 3 की पावर 3 और उसके ऊपर सेपरेट कर दिया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5. यहाँ पर 2 2 से कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 1. ये जो मैंने 5 को 2 की पावर 1/2 से कैंसिल आउट किया है, ये भी एक लॉ को यूज करते हुए किया है एक्सपोनेंट के, जिसके मुताबिक अगर दो पावर्स हों एक ब्रैकेट के बाहर और एक अंदर तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और मल्टीप्लाई होते हुए यहाँ पर ये दोनों कटिंग हुई हैं. डिवीजन में हमारे पास है 0.04, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से के 4/100. स्टूडेंट्स, ये 100 कहाँ से आया है, हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 1 लगाते हैं, और बाकी जो दो डिजिट्स हैं जितने भी डिजिट्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद उसको हम वहाँ पे 0 लगाते हैं. तो यहाँ पे 2 डिजिट्स थे 0 और 4, तो मैंने यहाँ पे 2 0 लगाए, मतलब 100 बन गया. इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 4/100 लिख दिया है. इसके बाहर पावर है -3/2. हमारे पास अभी ये रेडिकल फॉर्म में ही है, हम इसको यहाँ पर रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे. हमारे पास अंदर देखें तो 2 की पावर 3 और 2/3 है. इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए यहाँ पर मैं 3 को 3 से कैंसिल आउट करूंगी और लिखूंगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में है 3 की पावर 2 और फिर है 5. डिवीजन में हमारे पास क्या है, 4/100, लेकिन यहाँ बाहर पावर क्या है, नेगेटिव. अगर इस नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव करें तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक a/b जो है, अगर हमारे पास नेगेटिव n हो तो हम लिखते हैं b/a और पॉजिटिव n चला जाता है. ये मैंने ड्राइव किया है -n एक्सपोनेंट लॉ से. हमारे पास एक्चुअल में ये एक्सपोनेंट लॉ है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल के लिए एक्सपोनेंट लॉ यहाँ ये कहता है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो हम उसको इन्वर्स करेंगे जो अंदर हमारे पास रियल नंबर्स हैं, यानी b/a, और पावर को पॉजिटिव कर देंगे. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 4/100 को हम क्या करेंगे, 100/4 और पावर को पॉजिटिव यानी 3/2.
अब अंदर इसको हम ओपन कर लेते हैं, 2 टू द 4 एंड 3 थ्री द 9 मल्टीप्लाई बाय 5, डिवीजन में हमारे पास 4 को 100 से कटिंग कर लेते हैं तो आता है 4 टू द 8, उधर चला गया कैरी, तो 4 5 20, यानी कि 25 की पावर आ गई 3/2, और ये 3/2 पॉजिटिव है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 4 9 36 मल्टीप्लाई बाय 5, डिवीजन में हमारे पास है 25, इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखें तो आता है 5 5 25, 5 1 5, यानी 5 की पावर 2, 3/2। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि 36 मल्टीप्लाई बाय 5, डिवीजन में हम इस 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे इस एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक, जिसमें दो पावर एक ब्रैकेट के बाहर और अंदर हो तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 3, ये कटिंग हो गया 2 2 से तो बाकी बच गया 3। अभी हमारे पास रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास अब जो है यहाँ पर मैं इस 5 को जो है वो ओपन करके लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 36 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी मैं 5 3 टाइम्स लिख सकती हूँ इस तरह से, एक 5 को एक 5 से कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पर मैं 36 की फैक्टराइजेशन फॉर्म भी लिख सकती हूँ, 36 की है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 6, यानी कि 2 6, यहाँ पे 6 की पावर 2 और नीचे क्या है 5 की पावर, ये कितने 5 हैं 2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये रेडिकल की फॉर्म में है, रेडिकल की फॉर्म के मुताबिक यहाँ पर अगर देखें तो रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो आता है 1/2। इस रेडिकल साइन को मैंने पावर में चेंज किया तो 1/2। एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक अगर जो हमारे पास अंदर बेसिस डिफरेंट हो तो पावर सेम हो तो हम उन्हें सेपरेट कर देते हैं, यहाँ पे आप सिंपल फॉर्म में लिखें a/b n, इनके हम पावर को सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने a की पावर n और b की पावर n किया, तो यहाँ पर हमारे पास दो बेसिस जो है वो डिफरेंट है, a जो है वो 6 स्क्वायर है और b 5 का स्क्वायर है, और पावर जो है वो सेम है 1/2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 2 1/2, डिवीजन में 5 की पावर 2 1/2। अब इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे भी एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे, वहाँ हम लिखेंगे कि एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक दो जो पावर एक ब्रैकेट और बाहर हों तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये मल्टीप्लाई हो रही है, अब मैं इसको कटिंग कर देती हूँ तो 6 और नीचे में 2 2 से कर सकता, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया तो आ गया 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सिंप्लीफिकेशन आंसर है 6/5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई में हमारे पास a की पावर p ओवर a की पावर q, बाहर ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास एक्सपोनेंट में p प्लस q, और दो एक्सप्रेशन हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर वैल्यूज, a की पावर q ओवर a की पावर r, और बाहर ब्रैकेट के है q प्लस r, डिवीजन का साइन है, फिर 5 है, और फिर अंदर ब्रैकेट में है a की पावर p डॉट a की पावर r, और बाहर है p माइनस r। यहाँ पर एक उसने कंडीशन लिखी है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, a नॉट इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 होगी तो डिवीजन में 0 आएगा और हमारा जो सोल्यूशन वो पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस a को नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, इस केस में सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखते हैं, a की पावर p ओवर a की पावर q p प्लस q डॉट a की पावर q और a की पावर r, और बाहर है q प्लस r। स्टूडेंट्स इस डिवीजन के साइन को मैं चेंज करके इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने लगी हूँ, और ये सारा एक्सप्रेशन जो है वो नीचे आ जाएगा, 5 a की पावर p डॉट a की पावर r p माइनस r, एक्सप्रेशन सेम है बस डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सपोनेंट लॉ लग रहा है उसके मुताबिक अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और वो डिवाइड हो रही हो तो हम उन्हें माइनस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास एक्सपोनेंट लॉ जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, दिस वन लॉ, तो हम लिखते इस लॉ को यूज करते हुए हम लिखेंगे a p माइनस q p प्लस q। ये जो p प्लस q है ये तो ये बाहर वाली पावर है, ये सेम रहेगी, जबकि जो अंदर मैंने है a की पावर p और a की पावर q पर लॉ अप्लाई किया है डॉट a,
क्यू माइनस आर, इसी तरह से इस साइड पे भी लॉ अप्लाई कर रहे हैं, क्यू प्लस आर डिवीजन में है 5 ए की पावर पी डॉट ए की पावर आर पी माइनस आर। स्टूडेंट इस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर मैं ऊपर इसी तरह से लिखूंगी ए पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू। आप ये वाला जो स्टेप है इस स्टेप के साथ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सेपरेट स्टेप में इसको परफॉर्म करने लगी हूँ। डिवीजन में हमारे पास है 5 और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट का लॉ है वो ये है कि अगर बेसिस सेम हो, दो रियल नंबर्स की और पावर्स डिफरेंट हो, जैसे m और n है, तो हम इन्हें ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो जो बेसिस हैं वो सेम हैं और पावर्स के हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंट का जो लॉ लगाएंगे उसके मुताबिक a p प्लस आर, बाहर क्या है p माइनस आर। स्टूडेंट्स ये जो p प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और p माइनस आर है, ये इनकी एक्सपोनेंट पावर्स हैं, इनको हम नहीं कुछ कर रहे, हम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर एक्सपोनेंट लॉस को अप्लाई कर रहे हैं। फर्दर यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपोनेंट लॉ लगेगा जिसके मुताबिक अगर दो जो पावर्स हैं ब्रैकेट के अंदर और बाहर हों तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इस एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक यहाँ पर मैं करूँगी ए पी माइनस क्यू इन टू पी प्लस क्यू डॉट ए क्यू माइनस आर इन टू क्यू प्लस आर, डिवीजन में हमारे पास है 5 ए, यहाँ पर भी इसी तरह से अप्लाई करेंगे इस लॉ को, तो आता है ए पी प्लस आर इन टू पी माइनस आर, ये ब्रैकेट आपने स्टूडेंट्स नहीं लगानी है, इज इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी इन टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को मैं तीनों जगहों पे अप्लाई करूंगी, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ लिखते हैं a p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इस फॉर्मूला के मुताबिक जो a माइनस बी ए प्लस बी है, यहाँ पे a p है और b जो है वो q है, तो यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस बी क्यों है, q है, तो q स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डिवीजन में 5 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे अप्लाई करें फॉर्मूला अब आप तो क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर यहाँ पे हमारे पास एक लॉ जो है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसके मुताबिक बेसिस सेम है, पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ये टू पावर्स हैं ये डिफरेंट हैं, यानी कि ए एम डॉट ए एन हो, हम लिखते हैं ए एम प्लस एन। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को इस वक्त लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को, तो आता है ए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मैंने दो पावर्स को ऐड किया है इस एक्सपोनेंट लॉ को यूज करते हुए। तो नीचे क्या है, 5 ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बैक पे इज इक्वल टू का साइन है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचता है पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डिवीजन में है 5 ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर देखें तो यहाँ पर ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और डिवीजन में ए पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सेम है, हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक करें तो हम लिखेंगे 1/5 को मैं सेपरेट कर देती हूँ, ये 1/5 को मैंने एक साइड पे कर लिया है, बाकी मैं इनको दोनों बेसिस जो हैं वो सेम हैं, तो इनकी पावर्स को मैं माइनस कर देती हूँ, पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एक पावर थी, ये मैंने यहाँ पे लिखी है, फिर माइनस का साइन डाला है एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक, और दूसरी पावर को उसमें से माइनस करना है, यह दूसरी पावर है, पूरी पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पूरी पावर है एक, 1/5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस, ये माइनस अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर। सो फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास एक पी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, आर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इट मीन्स के सारे कैंसिल आउट हो गए हैं, तो बचता है 0, और हम जानते हैं एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक ए की पावर 0 होती है 1, या किसी भी रियल नंबर की पावर 0 हो तो 1 आती है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 1/5 हमारा आंसर है, ये 1 हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सिंप्लीफिकेशन थी क्वेश्चन नंबर 5 की।
स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए सॉल्व किया, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.4 में अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।